मेरा लॉन्ग टर्म पिक अनिल जी एक पुराना मेरा एक फेवरेट था और जो कि चला नहीं है वेरी फ्रेंकली, रैमको इंडस्ट्रीज लिमिटेड। और ये सेगमेंट ऐसा देखिए एस्बेस्टस शीट जो काफी मेरे दिल से करीब है, काफी मैंने इसका चैनल चेक किया हुआ और काफी सालों से इस धंधे को देखते आ रहा हूं मैं। तो ये रैमको इंडस्ट्रीज, एवरेस्ट इंडस्ट्रीज, हैदराबाद इंडस्ट्रीज, ये सारे कंपनियां कभी ना कभी आगे पीछे रिकमेंड किया हुआ है। बट रैमको इंडस्ट्रीज की खास बात जो मैं बता दूं आपको, रैमको सीमेंट्स, रैमको सिस्टम्स और बहुत बड़ा एक्सपोजर अलग अलग उसमें है और एक तरीके से होल्डिंग नेचर की कंपनी है। बहुत बढ़िया फंडामेंटल्स वाली कंपनी है, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रुप के गवर्नेंस को लेकर तो कोई इश्यू आ ही नहीं सकता है, बहुत बढ़िया पुराना सालों से चलता हुआ काम है। और मुझे जो सबसे बढ़िया बात लगता, फंडामेंटल्स अभी भी बहुत बढ़िया है, 9 के पी मल्टीपल पे है। और सबसे बढ़िया बात अगेन जो जून क्वार्टर का रिजल्ट है जिसपे बहुत ज्यादा मैं फोकस कर रहा हूं, बहुत अच्छे आए हैं। करीब 62 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, अगर मार्च का अगर देखें तो 33 करोड़ का, उसके सामने 62 करोड़। और जिस तरीके से रूरल कंजम्पशन का थीम चल रहा है, एग्री थीम चल रहा है, और मुझे लगता है जो मेक इन इंडिया का थीम चल रहा है, सो ओवरऑल इन सब का कहीं ना कहीं बेनिफिशियरी ये कंपनी भी होगी। और मुझे रैमको इंडस्ट्रीज में आराम से 250 के टारगेट के लिए इस स्टॉक को लेना चाहिए, 6 से 9 महीने की अवधि के लिए। और बढ़िया बात है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जब ऐसा मार्केट चल चुका होता है और मिड कैप स्मॉल कैप में भी बहुत बड़ी रैली आ चुकी होती है, तो वहां पे कोई स्टॉक जो बहुत सालों से परफॉर्म नहीं किया हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछले एक साल में इसने नॉर्मल 2.5% का रिटर्न दिया है, 3 साल में नेगेटिव 13.79% का रिटर्न दिया है। सो ओवरऑल मुझे इन सब चीजों में बहुत कॉन्फिडेंस आता है और इन सालों में अच्छा पैसा भी कमाया, रिजर्व्स भी बढ़ा कंपनी का। तो इन सब को देखते हुए मुझे लगता है कि स्टॉक में बिल्कुल निवेश करना चाहिए इन लेवल्स पे और आराम से 250 के टारगेट। मीडियम टर्म के लिए मैंने जो स्टॉक चुना है वो है डॉलर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। पहले भी इस सेगमेंट की मैंने एक कंपनी लक्स इंडस्ट्रीज है और ऑलरेडी देखिए पेज इंडस्ट्रीज को तो एसेंशियल कमोडिटी में माना गया ही है, हमारे पैनल के दिग्गज मेंबरों ने सब ने बोल ही दिया। तो डॉलर इंडस्ट्रीज एक बेहतरीन कंपनी लगती है मुझे। सबसे बढ़िया बात है फंडामेंटल्स सस्ते हैं और ओवरऑल देखिए जो वैल्यूएशन दूसरी कंपनीज को मिली हुई है उसके सामने मुझे ये सस्ता लग रहा है। और सबसे बढ़िया बात है डॉलर इंडस्ट्रीज एक ओनली होजेरी और नेटवेयर कंपनी इंडिया में जो कि फुल्ली इंटीग्रेटेड प्रोडक्शन यूनिट लगा रखी है। हो सकता है कोई ना कोई बैकवर्ड या फॉरवर्ड लिंकेज या इंटीग्रेशन कोई दूसरी कंपनीज में मिसिंग हो, बट यहां पे पूरी है। और सबसे बढ़िया बात है अगेन जो मैं जून क्वार्टर की रिजल्ट्स की अगर बात करूं तो जून जैसा टफ क्वार्टर में भी पिछले 2019 जून में 13 करोड़ के सामने 2020 वाले जून में 16 करोड़ रुपया कंपनी ने कमाई है। और पिछले एक साल में कंपनी ने बहुत ज्यादा परफॉर्म नहीं किया है, पिछले 3 साल में भी बहुत ज्यादा परफॉर्म नहीं किया है। बट अब जो ये पर्टिकुलर जो सेगमेंट है लक्स इंडस्ट्रीज, जिस तरीके से टारगेट मैंने इसी शो में रेकमेंड किया हुआ है, अच्छे से टारगेट अचीव किया और जो रूरल डिमांड है, भारत की जो डिमांड है, उसका बहुत बड़ा पुश इन सारी कंपनियों को मिलेगा आने वाले सालों में। देखने को मिलेगा कि ये कंपनियों की ऑर्बिट भी चेंज हो सकती है। तो मुझे लगता है कि जो दूसरी कंपनियों को जो वैल्यूएशन मिली हुई है उसके सामने ये 12-13 के पी मल्टीपल पे मुझे सस्ता लगता है और डिविडेंड वगैरह सब देती है कंपनी, तो वहां कोई इश्यूज लगते नहीं है। तो बिल्कुल इस स्टॉक में निवेश करना चाहिए और यहां से मुझे लगता है 170 से 180 के टारगेट के लिए काम किया जा सकता है 3 से 6 महीने की अवधि। स्टॉक है सुमितोमो केमिकल इंडिया लिमिटेड और यह स्टॉक पहले मैंने भी रेकमेंड किया है, कुणाल जी ने किया, राकेश जी ने किया, सुमित जी ने किया, सबने ऑलमोस्ट किया, सारे विकास जी ने किया, सबने किया, इसके बारे में जिक्र किया है और बहुत बढ़िया स्टॉक है। देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल कंपनी है और सबसे बढ़िया बात है अगेन जून का क्वार्टर तो बेहतरीन क्वार्टर गया है, 79 करोड़ का प्रॉफिट अगेंस्ट मार्च के क्वार्टर में 23 करोड़ का प्रॉफिट और पिछले जून में भी 54 करोड़ का प्रॉफिट था। अब इन सब के बाद अगर हम फंडामेंटल्स की बात करें तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज फैंटास्टिक 30%, रिटर्न ऑन इक्विटी करीब 22-23%, सेल्स की अगर ग्रोथ की कैगर की बात करें 3 साल की तो करीब 45%, प्रॉफिट की कैगर की बात करें तो 54-55%। सो ये सब फंडामेंटल्स के बाद जीरो डेट कंपनी, एमएनसी पेरेंटेज और ये सब को देख के और प्लस उसके ऊपर भी एग्री इनपुट्स, इस पर्टिकुलर सेक्टर के ऊपर मैं बहुत ज्यादा बुलिश हूं। मुझे लगता आने वाले कई साल बहुत अच्छा करेंगे क्योंकि एग्री का जीडीपी का जो आंकड़ा आया है, जो पूरे जीडीपी खराब आया मगर उसमें एग्री अच्छा निकाला है, तो मुझे लगता है कि बहुत इस बार भारत के लिए बहुत फेवरेबल। और जिस तरीके से एमएसपी सरकार बढ़ा रही है और मुझे लग रहा है एग्रीकल्चरल जो जीडीपी है इंडिया का बहुत बड़ा कंपोनेंट बनेगा, तो आई एम वेरी बुलिश ऑन दीज कंपनीज। एंड मैंने पहले भी इंसेक्टिसाइड्स के बारे में जिक्र किया था, अब सुमितोमो केमिकल है तो बिल्कुल इस स्टॉक को लिया जाए और आराम से 310 के टारगेट के लिए, ऊपर के लेवल से करेक्ट भी किया थोड़ा सा ये स्टॉक, तो इसलिए एक अच्छा कंसोलिडेशन है। तो टेक्निकली एंड फंडामेंटली बहुत अप्रूव्ड है मेरे हिसाब से 310 के टारगेट के लिए।